असल स्टूडेंट्स होप यू आल आर फाइन आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है वो आपने यहाँ से लर्न करनी है यह आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है फिर भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन को लर्न करना है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स विच डील्स विद दी कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास अप्लाइड फिक्स अप्लाइड फ़िजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रोल देखते हो बाय यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस ठीक है अब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि अब अगर अलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो आपको पता है अगर चार्जेस मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होती है अब आपने करंट को कंट्रोल करना है बाई यूजिंग डिफरेंट मुख्त तरह की डिवाइसिस इस्तेमाल करके ठीक है तो इसी ब्रांच को हम फिजिक्स की इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जी अब आ जाए पेज नंबर आपके जो स्मार्ट सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहले हम देखते हैं एनालॉग क्वांटिटीज कौन सी होती हैं द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी कंटिन्यूसली आर नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू लगातार चेंज होती हो वो उस उन क्वांटिटीज को हम एनालॉग क्वांटिटीज कहते हैं ठीक है मतलब जिसकी वैल्यूज़ लगातार चेंज हो रही है टाइम के लिहाज से वो एनालॉग क्वांटिटीज है ठीक है वैरी का मतलब होता है चेंज होना है कॉन्टीसली मतलब लगातार ऐसी वैल्यूज जिन ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज़ लगातार चेंज होती हैं वो एनालॉग क्वांटिटीज है फॉर एग्ज़ाम्पल द टेम्परेचर ऑफ एयर वेरीज इन अ कॉन्टीन्यूस फैशन ड्यूरिंग ट्वेंटी फोर हावर्स ऑफ अ डे आप अगर ऑब्जर्व करें पूरे दिन में जो टेम्परेचर है वो एक कॉन्टीन्यूस वे के साथ होता है, है? चेंज होता है ठीक है सुबह टाइम टेम्परेचर चेंज होता है दोपहर को टेम्परेचर और होता है और शाम को टेम्परेचर और होता है तो ये टेम्परेचर में एक कॉन्टीन्यूस चेंज आ रहा होता है ठीक है तो आपके पास टेम्परेचर एक एनालॉग क्वान्टिटी है इफ़ वी प्लाट अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर को और टाइम के दरम्यान ग्राफ बनाए मतलब टेम्परेचर को ऑब्जर्व करें टाइम के लिहाज से डिफरेंट टाइम्स के ऊपर हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करें वी गेट अ ग्राफ हम एक ग्राफ लेंगे नेक्स्ट पेज पे ग्राफ है ये वाला ठीक है आपने टेम्परेचर और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है तो ये जो आपका ग्राफ प्लॉट हुआ हुआ है, ये एक uh, क्वान्टिटी का है. मतलब आपके पास टेम्परेचर टाइम के लिहाज से कॉन्टिन्यूसली वेरी हो रहा है ठीक है दिस ग्राफ शोज दैट टेम्परेचर वेरीज कॉन्टिन्यूसली विद विध टाइम ये ग्राफ जो आपने अभी देखा वो ये आपको क्या बताता है कि टेम्परेचर टाइम के लिहाज से कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है देयर फोर वी कैन से दैट टेम्परेचर इज़ एन एनलाग क्वान्टिटी तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या एक, एक एन अलॉग क्वान्टिटी है क्यों क्योंकि टेम्परेचर में टाइम के लिहाज से कॉन्टीन्युअसली वेरिएशन आ रही हैं Similarly, time, pressure, distance, etc. are analog quantities. इसी तरह आपके पास time, pressure, distances ये सब analog quantities है ठीक है तो आपने यहाँ से analog quantities की definition first definition उसके सब बाद आपके यहाँ से लेके यहाँ तक examples हैं ठीक है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक example है और यहाँ पर एक short question भी है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इस टेम्परेचर इज़ एन एनालॉग क्वांटिटी उसको डिस्क्राइब करें या वेरीफाई करें तो आप uh, यहाँ से द टेम्परेचर से स्टार्ट करके यहाँ तक लिख सकते हैं ठीक है और ओवरऑल ये आपके इसके एग्जाम्पल्स हो गए नेक्स्ट पेज पे आ जाए अब ऐसे सर्किट्स जिसमें हम एनालॉग क्वांटिटीज को यूज़ करते हैं उन्हें हम एनालॉग सर्किट्स कहते हैं ठीक है देखिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की दो ब्रांच आपने दो ब्रांचेस पढ़ी आपके टॉपिक के नेम में दो लिखी हुई थी एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी आपके पास होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है जिसमें आप एनालॉग क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करते हो यूज़ करते हो द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट्स एस इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें ऐसे सर्किट्स कंसिस्ट तो होते हैं विच प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटीज क्वान्टिटीज इस कार्ड एना इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स की जिसमें एनालॉग क्वांटिटीज बी जिसमें एनालॉग क्वांटिटी से हम प्रोसेसिंग करते हैं ठीक है फॉर इंस्टेंस द पब्लिक एड्रेस सिस्टम इज़ एन एनालॉग सिस्टम इन विच द माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू अ कॉन्टिनसली वेरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है अब जो आपके पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें जो एग्ज़ाम्पल ली हुई है कि एनालॉग सर्किट कौन से होते हैं उसमें उन्होंने एग्जाम्पल ली है किसकी द पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं इज़ एन एनालॉग सिस्टम वो एक एनालॉग सिस्टम है ठीक है इट okay. मीन्स अगर आपने क्राउड में कोई बोलना है तो आपको क्राउड में बोलने के लिए एंड तक आवाज़ जाने के लिए आप स्पीकर यूज़ करते हो तो ये जो स्पीकर का पूरा सिस्टम है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है इन विच द माइक्रोफोन अब माइक्रोफोन माइक्स वगैरह जो होते हैं जिसमें आप बोलते हो वो क्या करता है कन्वर्ट करता है साउंड इन टू आ कॉन्टीन्यूसली वेरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइक्रोफोन आपके साउंड को जिसमें कन्वर्ट करता है कॉन्टीन्यूसली वेरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स में देखिए माइक्रोफोन क्या करेगा आपकी साउंड को रिसीव करेगा और उसको चेंज कर देगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स में ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सिग्नल में चेंज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ वेव उसके बाद क्या होगा आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो आपके पास जो माइक्रोफोन ने आपकी साउंड को इन द फॉर्म ऑफ वेव जो कन्वर्ट किया है वो जो वेव है वो एम्पलीफाई के जरिए हम उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देंगे ठीक है तो देखिए पहले आपके पास जो पहले आपके पास वेव है उसका सेंटर पॉइंट से जो मैक्सिमम पॉइंट तक डिस्टेंस है वो इतना सा ठीक है आपने अपनी इस साउंड छोटे से साउंड के जो सिग्नल था उसको एम्पलीफायर के अंदर से गुजारा और एम्पलीफायर ने क्या किया उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा कर दिया ठीक है ठीक है आगे देखिए दिस पोटेंशियल इज एन दिस पोटेंशियल इज़ एन एनालॉग सिग्नल ठीक है जिस तरह मैंने ड्रॉ करके आपको बताया कि वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो आप माइक्रोफोन ने आपकी साउंड को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिग्नल में तो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक एनालॉग सिग्नल है ऐसा सिग्नल है जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है विच इज फेड इंटू एन एम्पलीफायर जो जो हम किसको देंगे एम्प्लीफायर को देंगे ठीक है आपके पास ये जो सिग्नल है ये आपके पास एनालॉग सिग्नल है ठीक है क्योंकि ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ठीक है अब हमने एम्पलीफायर को वो सिग्नल दिया एम्पलीफायर इज़ एन एनालॉग सर्किट एम्पलीफायर क्या है एक एनालॉग सर्किट है जो क्या करेगा विच एम्प्लीफाईज द सिग्नल विदाउट चेंजिंग इट्स शेप टू सच एन एक्सटेंट दैट इट कैन ऑपरेट अ लाउड स्पीकर ठीक है एम्पलीफायर आपके जो इनपुट सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को ज़्यादा कर देता है तो जिस वो जो सिग्नल जिसकी एम्पलीट्यूड आप ज़्यादा करते हो वो आप फिर लाउड स्पीकर में प्रोसेस करवाते हो इन दिस वे लाउड साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द स्पीकर और यही आपके पास पूरा प्रोसेस है जिस स्पीकरस के जरिए आप लाउड साउंड प्रोड्यूस करवाते हो ठीक है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले माइक्रोफोन में बोलते हैं अगर हमने स्पीकर्स में ऊंची आवाज़ से स्पीकर में बोलते हैं तो सबसे पहले हम माइक्रोफोन में ही बोलते हैं माइक्रोफोन क्या करता है हमारे आवाज़ के सिग्नल्स को कैप्चर करता है हमारी साउंड वेव्स को कैप्चर करता है और उन्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कॉन्टिन्यूसली वेरिंग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ठीक है अब ये सिग्नल उसके बाद एम्पलीफायर के अंदर जाता है एम्पलीफायर में इस सिग्नल का हम एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर देते हैं ठीक है अब जो जिस जो हमारे पास वेव है जिसका एम्पलीट्यूड हमने ज़्यादा किया है वो फिर लाउड स्पीकर में चले जाती हैं और फिर वो सुनाई देती हैं हमें एक ज़्यादा साउंड में ठीक है उनकी आवाज़ से हमें सुनाई देती हैं इन दिस वे लाउड साउंड इज प्रोड्यूस इसी तरह हमारे पास जो लाउड साउंडस है वो प्रोड्यूस होती है बाय द स्पीकरस इसके ये आपके पास एक पूरी एक्सप्लेनेशन है पूरा आपके पास एक एग्जाम्पल है किसकी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की या एनालॉग सर्किट्स की इसके अलावा रेडियोज टेलीविज़न एंड टेलीफोन्स आर अ फ्यू कॉमन डिवाइसेस दैट प्रोसेस एनालॉग सिग्नल्स। इसके अलावा आपके पास रेडियो टेलीविज़न टेलीफोन्स ऐसी आपके पास डिवाइस हैं जो एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर काम करती हैं जो जिनकी वर्किंग एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर बेस करती हैं ठीक है अब सेकेंड uh, ब्रांच पे आ जाए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं अन क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो टाइम के लिहाज से कॉन्टीन्यूसली वेरी करें कॉन्टीन्यूसली चेंज करें ठीक है अब डिजिटल क्वांटिटीज कौन सी हैं द क्वांटिटीज हुज़ वैल्यू वेरी इन डिस्क्रीट स्टेप्स ठीक है ऐसी क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू चेंज करें एक डिस्क्रीट स्टेप्स में ठीक है बेसिकली आपके पास जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं वो ज़ीरो वन के स्टेट में होती है ठीक है जैसे आप देखें आप स्विच यूज़ करते हैं फ़ैन को ऑन करने के लिए ठीक है तो आप अपनी स्विच को ऑन करते हैं या ऑफ़ करते हैं ठीक है अगर आप ऑन करेंगे तो वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की केस में इसकी लैंग्वेज में वन स्टेट पे होगा अगर हम अपने फ़ैन को ऑफ करते हैं स्विच से तो वो जीरो स्टेट पे होगा ठीक है ऐसा तो नहीं है आप अपने ऑन ऑफ़ करने वाले स्विच को दरमियान में रखें अगर आप दरमियान में रखते भी हैं तो आपका जो फ़ैन है ना चलता है ना बंद बंद ही रहता है चलता नहीं है ठीक है तो आपके पास जो आ, ये स्टेट है इसको हम ऐसी क्वांटिटीज़ को डिजिटल क्वांटिटीज़ कहते हैं ठीक है कि जो डिस्क्रीट स्टेप्स के साथ चेंज होती हैं ठीक है मतलब एक खास अरसे में एक स्पेसिफिक वैल्यू पर रहती है कुछ टाइम के बाद वो अपनी नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाती हैं ठीक है, है? देखिए आपके पास ये क्या एनालॉग सिग्नल आपने देखा जो कॉन्टीन्यूसली चेंज करता है पहले अगर आपके पास यहाँ पे है वैल्यू ठीक है तो आप ये कॉन्टिन्यूसली वैल्यू चेंज हो रही है ठीक है एक्स एक्सिस के लिहाज से भी और वाई एक्सिस के लिहाज से भी तो आपके पास इस तरह एक एनालॉग सिग्नल आ जाता है अब हम डिजिटल सिग्नल देखते हैं वो कैसा होता है लेफ्ट सपोज आपका जो फैन है उसका स्विच ऑफ है आपने फैन ऑफ किया हुआ है तो वो जीरो स्टेट पे है ठीक है आपने उठ के स्विच ऑन किया तो वो वन स्टेट पे चला गया ठीक है अब आपका जो फैन है वो ऑन रहेगा एक स्पेसिफिक इंटरवल के लिए ठीक है लेट्स सपोज लेट्स सपोज पाँच मिनट के लिए आप अपने स्विच को ऑन रखते हो तो लेट्स सपोज ये फाइव मिनट का अरसा गुजर गया ठीक है उसके बाद आप अपने स्विच को ऑफ कर देते हो तो वो फिर अगेन ज़ीरो पे आ जाएगा ठीक है इसी तरह ये आपके पास जो सिग्नल जो वेव बन रही है जो वेव फॉर्म ये आपके पास डिजिटल वेव फॉर्म होती है वैसे ठीक है तो इस तरह आपके पास जो सिग्नल बन रहा है वो जीरो वन के स्टेट में है या तो वो बंद है या ऑन है ठीक है तो आपके पास ये जो वेव बन जाती है ऐसे सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं ये देखें इन्होंने टेम्परेचर टाइम में डिजिटल उसकी वेव फॉर्म ऐसे बनाई हुई है ठीक है सेम ऐसे ही जैसे मैंने आपको भी बताई है डिजिटल वेयन ऑफ एनालॉग सिग्नल इज दिस ठीक है डिजिटल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स आर नंबर डिजिटल क्वांटिटीज को आप डिजिट्स आर नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो लाइक like जीरो या वन के फॉर्म में द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैसी ब्रांच विच डील्स विद डिजिटल क्वांटिटीज, जिसमें आप डिजिटल क्वांटिटीज से डील करते हो उसको आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हो ठीक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूजेज ओनली टू डिजिट्स आपने अभी पढ़ा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या यूज करती हो डिजिटल क्वांटिटीज और डिजिटल क्वांटिटीज आपके पास कौन सी होती हैं जिसमें आप डिजिट्स या नंबर्स यूज करते हो ठीक है तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिजिट्स या नंबर्स यूज होते हैं वो सिर्फ दो होते हैं कौन से जीरो एंड वन या जीरो या वन एंड द होल डाटा इज प्रोवाइडेड इन द बाइंड्री फॉर्म ड्यू टू विच प्रोसेसिंग ऑफ डाटा बिकम ईजी आपके पास जितना भी डाटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है मतलब या तो बाइनरी का मतलब होता है टू या तो दो स्टेट्स होती हैं उसकी या ऑन होता है या ऑफ तो इस इस वजह से आपके पास जितनी भी प्रोसेसिंग होती है आपको जो डाटा दिया जाता है उस पर जो आपने प्रोसेसिंग करनी होती है वो आसान हो जाती है ठीक है ओके क्लास अल्ला हाफिज़